हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी टॉपिक पर। तो आज बात करने वाले हैं राजस्थान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान की तरफ से जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ है नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 के बारे में। संक्षिप्त विज्ञप्ति हमारे सामने आई है तो हमने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना दें ताकि कैंडिडेट को पहले से सूचना मिल जाए। यहाँ पर जो राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान शिपू जयपुर द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान के लिए नर्सिंग ऑफिसर के लिए रिक्त पदों को भरे जाने हेतु राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा अधिनियम 1965 में उल्लेखित योग्यताधारी अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ये पद स्थायी हैं जिनका संख्या विवरण निम्नानुसार है। स्थायी पदों पर जो है भर्ती की जाना है। पद नाम जो है आपका नर्सिंग ऑफिसर रहने वाला है। टोटल पोस्ट जो है 7020 यानी अच्छी खासी पोस्ट रहने वाली है इस बार कैंडिडेट, तो आप अच्छी जान से मेहनत करिए। यहाँ पर नियुक्त विज्ञप्ति पदों में कमी वृद्धि अथवा विज्ञप्ति को निरस्त किए जाने हेतु विभाग शिपू स्वतंत्र रहेगा। नेक्स्ट जो है विस्तृत विज्ञप्ति एवं आवेदन है तो ऑनलाइन लिंक विभाग की वेबसाइट www.siawrarajasthan.com या फिर ये जो आप वेबसाइट दिख रही है इस पर जाकर आप दिनांक 5 मई 2023 अपराह्न 4 बजे से दिनांक 4/6/2023 मध्य रात्रि 12 बजे तक उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। यानी कि जो 5 मई 2023 को 4 बजे यहाँ पर लिंक ओपन हो जाएगी और 4 जून 2023 रात 12 बजे तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ऑफिशियल साइट पर अभी मैंने चेक किया है कि यहाँ पर जो है डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो मैंने सोचा शॉर्ट नोटिस में ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्रोवाइड कर दे ताकि आप इसके बारे में पहले से तैयार हो जाएं। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व विस्तृत विज्ञप्ति का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें। उसके पश्चात निम्नलिखित उल्लेखित दिशा निर्देशों के अनुरूप स्वयं की पात्रता सुनिश्चित करने के पश्चात ही आवेदन करें। पात्रता के संबंध में विभाग का निर्णय अंतिम रहेगा। भर्ती के संबंध में समय समय पर जारी की जाने वाली सूचनाओं को निर्देशों की वेबसाइट पर नियमित रूप से अवलोकन करें। यहाँ पर जो निदेशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जयपुर की तरफ से नोटिस आया है, तो यहाँ पर जो ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन अभी वेबसाइट पर मैंने चेक कर लिया है, वहाँ पर नहीं आया है। जैसे ही ऑफिशियल साइट पर जो डिटेल नोटिफिकेशन आ जाते हैं हम उसके बारे में विस्तृत से आपको जानकारी बता देंगे। फिलहाल यहाँ पर जो है आज डेट 3 मई 2023 हो गई है लेकिन अभी तक नोटिस नहीं आया है। जैसे ही नोटिस आ जाता है तो हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद फ्रेंड्स।